नमस्कार सभी किसान भाइयों को, राम राम सब, नमस्कार। और जैसा कि मैंने कहा था, एक फॉर्म है हमारे बगल में और जिन्होंने मुर्गी का पालन कर रखा है, आप देख सकते हैं इनके सेट्स को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुर्गियाँ, और जो ऊपर वाला सेट्स है आप देख सकते हैं इन्होंने टीना की जगह में अपने यहाँ पे वो लोकल वाला घास डाला है, और उसके ऊपर में एक जो है तिरपाल डाला हुआ है प्लास्टिक, तो इसकी मदद से ये यहाँ पे आपने जो है घर बनाया है। और आप देख सकते हैं ऊपर में पाइपलाइन डाल के रखा है और साथ में बल्ब है, और आप ये सीधा देख पाएंगे, तो इसकी मदद से यहाँ पे जो मुर्गियों को खाना खिलाने के लिए, और ये बॉयलर फॉर्म है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इनका जो ऊपर वाला हिस्सा ये हो गया, और इनका नीचे वाला हिस्सा आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है जो लैट्रिन यहाँ पे गिरेगी और रोज़ इनका सफाई हो जाता है। तो फॉर्म के ऑनर अभी फिलहाल है नहीं, साथ में ये छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बाबू ये नीचे वाला क्या है? चूना है, तो ब्लेजिंग पाउडर ना, ब्लेजिंग पाउडर और चूना साथ में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मुर्गियों का साइज लगभग 1 kg होने को आया है, तो बढ़िया तरीके से यहाँ पे फॉर्मिंग पे। और अभी ये छोटे छोटे बच्चे ही 2 हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ इनका 3 सीट्स है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाला 1 सीट्स है, यहाँ पर भी बच्चे हैं। टोटल मिला के कितने बच्चे हैं इसमें पता? 2312 बताया बच्चों ने। तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे है, यहाँ पर भी है। और बाबू कितना मरा बच्चा? 40 बच्चा मरा है, 40 बच्चे मरे हैं। और अभी सिर्फ 2312 में से आप देख सकते हैं इनकी साइज, ग्रोथ, हाइट। और मेडिसिन भी दे रहे हो? अच्छा अच्छा, बढ़िया है, देख सकते हैं आप। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सेट्स इन्होंने किया हुआ है यहाँ पर। और जो लाइट है, लाइट का भी अभी दिन को और रात के लिए बराबर करके रखा है इन्होंने। और गर्मी के लिए इन्होंने फ़ैन नहीं डाला हुआ है, फ़ैन एक्चुअली थोड़ा बाहर में है, तो जो भी है जैसे भी सिचुएशन होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। किसान भाई लोगों को भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो ये वाली प्रोसेस है ये हो जाती है आपको ठंडियों के सीज़न में, सबसे बेस्ट रहता है। अदरवाइज़ आप गर्मियों में भी अगर करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इनकी जो फ़ैन है, जैसे मान के चले इनको ठंडे जो ठंडे वाले जो दिन हैं उनमें इनको जो है इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो ये ठंडे वाले दिन में ज़्यादा जीने का वो रखते हैं और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो ठंडी आने वाली है, तो इन्होंने अपना सेट्स बना रखा है यहाँ पे, तो 2300 जो बर्ड्स है वो डाल के रखे हैं, और इनके जो है स्वस्थ और मस्त। और ये सबसे अच्छा और क्या बोलते हैं ना, कम समय में अच्छा, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं या फिर आप कमाना चाहते हैं या डेवलप करना चाहते हैं, तो आप, मैं चाहूँगा सभी किसान भाइयों से कि आप ये वाला जो है बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए बच्चे यहाँ पे सोते हैं इस चीज़ को लेके, और ये वाली जाली है, आप ये वाली जाली यूज़ कर सकते हैं इसमें मुर्गे के बच्चों को रखने के लिए। और इन्होंने वाटर टैंक ये ऊपर वाला रख सकता है। एक्चुअल में मैं बाहर का प्लेस आपको दिखाना चाहूँगा, बाहर से ही कैसा सेट इनका रखता है। और जितने भी है ये हमारे जितने भी भाई लोग हैं किसान फार्मर लोगों ने, तो इन्होंने एक्चुअली स्टार्ट करने की कोशिश की है, तो ये यहाँ पे देखिए सेट ऐसा बना रखा है उन्होंने। तो अभी फ़िलहाल 2 ही बच्चे हैं हम यहाँ पर जो फार्मर के ऑनर, तो ये इनके मेरे ख्याल से भैया या पापा या किसी ने करके रखा होगा। तो ये सुबह का वक्त है, तो फिर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस वजह से है, तो ये रहेगा। और इन्होंने लाइन वाइन ले लिए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले दिनों में। और इनका जो दाना है आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है स्टार्टर दाना, आप देख सकते हैं जैसे सुअरों का स्टार्टर होता है वैसे ही सेम इनका भी है, तो बढ़िया तरीके से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही लंबी लाइन में है एक्चुअली। तो बाबू ये रविलाल क्या लगता है तुम्हारा? चाचा है, वो भी कर रहे हैं ना? कितना आदमी मिल के कर रहे हैं यहाँ पे? दो आदमी मिल के कर रहे हैं, ठीक है। वो गंगा का बेटा भी कर रहा है क्या? गंगा अंकल का बेटा, अच्छा वो भी कर रहे हैं ना। तो इसमें एक्चुअली मिला के मतलब 2 से 3 आदमी लोग जितने भी फार्मर में वो करवा रहे हैं, और सबसे बेस्ट है ये वाला चीज़। और कम दाम, कम समय में, करीबन आप मान के चलिए 40 से 45 दिनों में आप इनका जो माल है वो आराम से निकाल सकते हैं आप यहाँ से। तो इन्होंने 3 रो बनाई हुई है, 1 रो उस साइड में बनाई हुई है, बीच वाला रो में आप देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा मुर्गी डाल के रखा है,
और साइड वाले रो में भी थोड़ा कम मुर्गी डाल के रखा है। और ये जो स्पेस है ये वाला पूरा फाइल वाला, ये कुछ आपको जंगल के थोड़ा बीच में, ताकि आपको जो है सेट्स ऊपर से जो है आपको गर्मी ना लगे, इस वजह से इनको सेट्स यहाँ पे बना दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली मुर्गियाँ। तो मैं फिर आपको दिखाना चाहूँगा एक बार चीज़, और अगर कोई मेरे किसान भाइयों लोग, मेरे फार्मर लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप पूछ सकते हैं, और ये सामान वगैरह वगैरह भी ले सकते हैं, जिनमें ये देखिए पानी जो है ऊपर से आ जाता है, ये वाला देख सकते हैं आप, इसमें से पूरा पानी बह के आप इसमें यहाँ आ सकता है और यहाँ पे पानी पीते हैं। और दाना के लिए तो इनको भी हैंगिंग करके रखा है यहाँ पे, आप ऊपर में देख सकते हैं, लोकल वाला बम्बू डाल के हैंगिंग करके आप यहाँ पे दाना दे सकते हैं। तो देखिए ये इस तरीके का सा आप करेंगे तो क्या होता है कि बीमारियों वाली जो क्षमता है वो बहुत ही कम दर पर आ जाएगी और बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इसी तरीके से वीडियो मैं आपसे साझा करता रहूँगा, और मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने और जानकारी के माध्यम से अगर बनता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब काइंडली बहुत ज़रूर कर दीजिएगा। अगर किसी किसान भाइयों को अगर सुअरों को और ड्यूरोक के बारे में पूछना है तो भी बता दीजिएगा, अगर किसी को मुर्गी के बारे में पूछना है तो भी बता दीजिएगा। तो इसी तरीके का मैं छोटा मोटा वीडियो लाता रहूँगा। तो फिलहाल अभी फॉर्म ऑनर है नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो इन्हीं से मैं अभी पूछ रहा हूँ फिलहाल। तो ऐसा ही मैं छोटा मोटा वीडियो लाता रहूँगा और आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा। तो आज तक के इतने छोटे वीडियो के लिए मैं सभी से अनुमति लेना चाहूँगा, और मेरे इस चैनल पे आने के बाद में अगर किसी को अच्छा लगता है मुझसे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, और जय सियाराम।